नेपाल के लोकल के बंदे हैं। और ये भाई साहब ये मोटा देखिए, आइए आइए आइए, बोल रहा है इंडिया का फ्लैग नहीं लहराने देंगे और मारने वारने की बात कर रहे हैं। ये देखिए जो बड़े लड़के थे वो तो भाग गए, ये एक रह गया और बाकी बच्चे अभी इधर है। बाकी वीडियो बनाने लगा तो बड़े लड़के जो थे सब छुप गए, मुँह छुपा के भाग रहे इधर उधर। तो दोस्तों अभी मैं हूँ हलेसी में और ये वीडियो मैं रिपीट डाल रहा हूँ। रिपीट इसलिए डाल रहा हूँ, काफ़ी गालियाँ मिल रही यार, काफ़ी लोग गालियाँ दे रहे हैं नेपाल से भी और इंडिया से भी काफ़ी लोग हैं जो गालियाँ दे रहे हैं कमेंट में और बोल रहे हैं कि सबूत दिखाओ सबूत दिखाओ। ये वीडियो मैंने पहले डाला था लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो यूट्यूब के गाइडलाइन के खिलाफ थी जिससे जो है मेरे चैनल को प्रॉब्लम हो रही थी। यूट्यूब का जो है उस पर स्ट्राइक आ गया था उस वीडियो पे, तो उसमें से मैंने फिर जो अननेसेसरीज जो भी था वो हटा के फिर उस वीडियो को अभी मैं फिर से लेके आया हूँ। क्योंकि यार मैंने उसको वीडियो को हटा दिया था तो लोग उसको देख नहीं पा रहे थे और दूसरे जो वीडियो देख रहे थे उनमें मैंने सिर्फ बोला है दिखाया कुछ नहीं है, तो लोग काफ़ी बोल रहे थे सबूत दिखाओ सबूत दिखाओ। तो यार अब मैं तो किसी को जानता नहीं हूँ, बाकी जो भी बंदे हैं जो वीडियो में दिख रहे हैं आप उनसे जाके पूछिए, उनसे जाके जो भी बात करनी है उनसे जाके करिए क्या था क्या नहीं था। वैसे फ़िलहाल ठीक है, अभी मैं नेपाल में हूँ, काफ़ी दिन हो गया। ये जो वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये तो काफ़ी दिन पुराना वीडियो है, तो ठीक है आप देखिए। वेलकम दोस्तों, स्वागत है द हिंदुस्तानी ट्रेकर के एक और एडवेंचर में और मैं अभी हूँ नेपाल में। नेपाल में मैं ठूटीबाड़ी से मैं एंटर किया हूँ और जा रहा हूँ पशुपतिनाथ के लिए। और अभी फ़िलहाल मैं बॉर्डर से करीब 10 किलोमीटर अंदर आया हूँ और मुझे अभी जाना है काठमांडू। लेकिन काठमांडू का रास्ता जो है यार बहुत चढ़ाई वाला रास्ता है और बहुत टफ रास्ता होने वाला है, क्योंकि पूरा मुझे लोग बता रहे थे कि पूरा कच्चा रास्ता है। और वैसे भी देखते हैं कब तक पहुँच पाता हूँ, धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे, क्योंकि चढ़ाई मुझे तो लोग बता रहे हैं कि उत्तराखंड में मैं इतना चढ़ाई किया हूँ लेकिन उससे ज़्यादा मुझे चढ़ाई बता रहे हैं कि यार उत्तराखंड से ज़्यादा चढ़ाई है। तो ये देखिए अभी मैं काठमांडू के लिए जा रहा हूँ और कुछ लोकल के बंदे हैं, नेपाल के लोकल के बंदे हैं। और ये भाई साहब ये मोटा देखिए, आइए आइए आइए, बोल रहा है इंडिया का फ्लैग नहीं लहराने देंगे और मारने वारने की बात कर रहे हैं। आओ 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 मारी, अच्छा और लकड़ी लेके, वो देखिए उधर लकड़ी, उसके हाथ में लकड़ी है। और ये जो अभी इधर आ रहा है ये भी ये बोल रहा था झंडा निकालो नहीं तो मारेंगे, तो झंडा तो मैं नहीं निकाला। अभी मैं इधर वीडियो बनाने लगा जब तक जो है एक बंदा पीछे से आया और फ्लैग लेके चला गया देखिए, लेकिन फ्लैग तो इनसे लेके जाऊंगा चाहे जो हो जाए, फ्लैग तो ऐसे छोड़ के जाऊंगा नहीं मैं, चाहे आज आगे बढ़ूँ ना बढ़ूँ तो। और ये भाई साहब देखिए मारने की बात कर रहा था, ये बॉर्डर पे मेरे को आर्मी ने नहीं रोका फ्लैग के लिए, पुलिस वालों ने नहीं रोका। पीछे से आके जो फ्लैग लेके भागे हैं तो वो तो फ्लैग लेके फ़िलहाल भाग गए और मैं साइकिल छोड़ के ऐसा जा नहीं सकता हूँ फ्लैग उनसे लेने या ढूंढने के लिए, किसी से मदद लेनी पड़ेगी। तो अभी देखता हूँ यार क्या करूँ, फ्लैग छोड़ के तो जा नहीं सकता, फ्लैग तो मैं लेके जाऊँगा देखते, क्योंकि साइकिल यहाँ छोड़ूंगा तो यार साइकिल सामान में परेशान करेंगे। और ये देखिए वो एक जो बंदा मारने की बात कर रहा था वो उधर वो पीछे जा रहा है, अब उधर कैमरे देख के सब इधर उधर हो रहे, कैमरा देख के कोई सामने आने को नहीं देख रहा है अब। पर फ्लैग को कहाँ ढूंढूंगा यार, फ्लैग तो लेके ही जाऊँगा। अच्छी एंट्री हुई है यार मेरी नेपाल में, अभी देखते हैं आगे और क्या क्या मिलेगा। ये देखिए फ्लैग ढूंढ के भी लाया है और ये जो भाई साहब है इनसे भी मैं थोड़ा रिक्वेस्ट किया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया है यहाँ से गुजर रहे थे। यार नेपाल में ऐसे ही मिलेगा क्या मेरे को? ये जो भाई साहब है वाइट टी शर्ट वाले जो अभी जा रहे हैं, इन्होंने मेरा फ्लैग जो है उधर झाड़ियों में से ढूंढ के लाया। और ये चश्मा लगा के जो खड़ा है अभी यहाँ शरीफ बन रहा है, ये मारने की बात कर रहा था और अब यहाँ शरीफ बना खड़ा। चलो यार ठीक है, फ्लैग मिल गया, क्या किसी से बहस क्या करना। वहाँ से अभी मैं निकल गया हूँ और जो है बाहर दूर ले जाके झाड़ियों में फेंका था। ऐसे है नेपाली, मैं तो सुना था कि नेपाल अच्छा देश है,
अच्छे लोग हैं, लेकिन जैसे एंटर किया हूँ तो एंट्री मेरी ख़राब हो गई। और चलो ठीक है, पता तो चल गया कि भाई नेपाल का पहला दिन ही ऐसा है, तो मतलब नेपाल में संभल के ही रहना पड़ेगा। यहाँ के लोगों की मानसिकता तो समझ में आ गई। और अभी गाँव में मैं चल रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ तो है, इससे तो साबित हो गया कि भाई कुछ भी करना, सामान, साइकिल और फ्लैग छोड़ के 2 मिनट के लिए भी कहीं मत जाना। क्योंकि मैं वो सामने से वो उस बंदे जो वो आ रहे थे, लकड़ी वकड़ी थी उनके पास में जो मारने के लिए ऐसे बात कर रहे थे, तो उसका वीडियो लेने लगा, तो एक बंदा पीछे से चुपके से आया और उसने फ्लैग निकाल के वो भाग गया। फिर मैं वहाँ पे लोकल के कुछ लोग थे उनसे थोड़ा रिक्वेस्ट किया, उन्होंने मेरी मदद की। एक बंदा रुका वहाँ साइकिल के पास में और बाकी हम थोड़ा फ्लैग व्लैग उसको बंदे को ढूंढ रहे थे, तो बंदे को ढूंढते ढूंढते उसने झाड़ियों में फेंका था, फ्लैग मिल गया। तो फिर उसको मैंने बोला छोड़ो यार था, और वहाँ का थोड़ा माहौल भी थोड़ा ऐसा ख़राब सा हो रहा था। लोग बोल रहे, काफ़ी लोग, कि इंडिया का फ्लैग हम नहीं लहराने देंगे। लोग कहते हैं नेपाल का फ्लैग लगाओ, अरे यार बॉर्डर में प्रोवाइड करवाओ, वो मैं थोड़ा अंदर जाऊंगा परचेस करूंगा तभी तो लगा पाऊंगा, इंडिया में तो मिलने से रहा, नेपाल का फ्लैग इंडिया में कहां से मिलेगा, और एंट्री मेरी ख़राब होगी। बहुत बड़ा पंगा होने से बच गया मैं, लेकिन पंगा हो जाता अगर मैं वहां से नहीं निकलता तो। क्या कहूं यार, मेरे तो शब्द ही ख़त्म हो गए नेपाल के लिए। देखो यार कैसे लोग हैं, पड़ रहा देखिए, पीछे इस गांव से भी आया तो यहाँ पे लोग फ्लैग के पीछे पड़ गए थे। मतलब इंडिया के बारे में इनकी क्या मानसिकता है ये साफ दिखाई पड़ती है। क्या कहूँ यार, गुस्सा तो खूब आ रहा है, बहुत इतना गुस्सा आ रहा है कि कोई लिमिट नहीं है। पर ठीक है, चलता जा रहा हूँ, आगे जाके फिर एक नेपाल का फ्लैग भी मुझे ख़रीदना है, कहीं मिलेगा तब तो ख़रीदूँगा यार। इधर एक तो एक जगह मिल रहा था, पूछा तो वो भाई साहब भी, यार आपके देश का फ्लैग है यार, उसको तो थोड़ा रिजनेबल रखो, बोलता है 250 रुपये 300 रुपये, और इतना छोटा सा कि वो सामने हैंडल में लगाने वाला। तो यार मुझे हैंडल में थोड़ी लगाना है, जितना बड़ा मेरा तिरंगा है उस साइज़ का मैं लगाऊंगा तब तो बराबर का हो फ्लैग दिखेगा। तो उतना बड़ा फ्लैग लेने के लिए तो भाई 400-500। मेरे तो कुछ क्या कहूँ मैं, मुझे यार हंसी भी आ रही है और गुस्सा भी आ रहा है। गुस्सा इसलिए आ रहा है कि वो इंडिया के फ्लैग के पीछे पड़े, और हंसी इसलिए आ रही है और इंडियन फ्लैग से नफरत कर रहे हैं। इंटरनेशनली भी जो है अभी इंडिया और नेपाल के रिश्ते जो है उतने कुछ अच्छे नहीं हैं, पहले थे लेकिन अब जब से चाइना ने इंटरफेयर किया है तब से थोड़ा रिश्तों में थोड़ी खटास आ गई है, और तब लोगों की मानसिकता भी धीरे धीरे बदलती जा रही है इंडिया के प्रति। बहुत यार आज भड़ास निकालने को मन कर रहा है। और नेपाल में आज मेरा पहला ही दिन है, और अभी मैं नेपाल में 10 किलोमीटर भी अंदर नहीं चला हूँ अभी, और ये सब देखने को मिल रहा है। आगे तो लगभग 1 महीना पूरा नेपाल में रहना है, और पता नहीं क्या क्या मिलेगा। बतख चरा रहे हैं अंकल जी, ये देखिए बतख। लोग बतख बहुत पालते हैं यार। ओ भाई
भाई पूरा फ्री फंड का पाउडर लगा देगा ये तो मेरे को। कैसे पार करूंगा यार, तो पूरा रास्ता ऐसे ही है। ये देखिए यार बारिश हो रही है कितनी तेज, और साइकिल को मैंने कवर कर दिया और यहाँ देखे, और बहुत परेशानी बारिश के बाद बढ़ने वाली है क्योंकि रास्ता देखिए पूरा कच्चा रास्ता है और इस कच्चे रास्ते में चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा यार बारिश के बाद, तो कीचड़ हो जाएगा पूरा रास्ते में। अभी मैं करीब बॉर्डर से 10 से 15 किलोमीटर अंदर आ गया हूँ और वहीं से जो गांव में पार किया वहाँ उसके बाद में भाई लोग मिल गए तो ये मेरे को यहाँ तक छोड़ा है क्योंकि उधर का माहौल थोड़ा मेरे को ठीक नहीं लगा, तो ये भाई लोग बोले कि चलो हमको आगे तक आपको छोड़ देते, तो इधर आए। और भाई लोग वैसे स्पोर्ट्स से है और इनका गेम जो है ये वो जो मार्शल आर्ट होता है, मार्शल आर्ट का अभी ट्रेनिंग पे हो ना? हाँ ट्रेनिंग वही ब्लैक बेल्ट पे। अच्छा जो ब्लैक बेल्ट पे अभी भाई लोग, तो दोनों आप सेम भाई हैं दोनों? अच्छा वाह यार, दोनों भाई भी है और दोनों सेम स्पोर्ट्स के शौकीन है। और अभी इधर कौन सा मुझे नारायण घाटी आएगा है ना? अब इधर ऐसा वो वैसा नहीं नहीं तो यार हम भी यही सोचते हैं कि यार ऐसा ना मिले, हम तो घूमने आए टूरिस्ट घूमेंगे अपने निकल जाएंगे, लेकिन यार लोगों का जो ये बिहेवियर देख के जो है ना ठीक थोड़ा आ लगता है होता है, पर ठीक है। तो दोस्तों अभी यहाँ तक मैं आ गया हूँ, आगे बढ़ूँगा और भाई लोग को धन्यवाद यहाँ तक अभी वो मेरे साथ में आए, और अब आगे की जर्नी अगले ब्लॉग में आपको दिखाऊँगा। तो चलो अभी भाई लोग के साथ थोड़ा फ़ोटो वोटो ले लेते और फिर बढ़ेंगे। दोस्तों ये देखिए अभी मैं यहाँ रुका हूँ, साइड से है मेन रोड, कीचड़ हो रहा था इसलिए मैं आगे गया नहीं, और आज का जो है माहौल भी मुझे ठीक नहीं लगा, तो सोचा कि यार अंधेरा भी होने वाला है आगे ना बढ़ूँ, और यहीं साइड में जो कैंप लगा हुआ है इधर ही मैं रुकने वाला हूँ। वो भाई जो थे वो उन्होंने वो हाथ दिखा रहे, उन्होंने मुझे बोला कि यार ठीक है आप इधर रुक जाइए, कीचड़ काफ़ी हो रहा है रास्ते में, तो मैं इधर ही रुक गया। तो बस आज यहीं पे रुकूंगा, फिर सुबह में निकल जाऊंगा अगर मौसम सही रहा तो, क्योंकि कीचड़ है यार बहुत रास्ते में, चलना मुश्किल हो जाएगा साइकिल लेके। तो अब देखते हैं, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।